हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में तो हम सब लोग कभी ना कभी सोचते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है कि भाई जब हम दो मैग्नेट्स को लेते हैं, या तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो रिपेल करती है, धकेलती हैं। और हम लोग सोचते हैं कि मान लो ये वाली मैग्नेट इसको धकेल रही है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं ऐसे की ऐसे तो इस पे रुक जाए हवा में, बट ये आपने देखा कि चिपक जाती है, रुक नहीं पाती, इक्विलिब्रियम नहीं बनता बढ़िया से। तो आज हम लोग एक ऐसा टेक्निक लगाएंगे कुछ मैग्नेट्स का यूज़ करके कि एक स्टेबल स्टेट बन जाए, मैग्नेट हवा में तैरने लगे, और साथ ही साथ में किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि पेंसिल को भी हवा में रख देंगे, मतलब नीचे कोई सपोर्ट नहीं होगा, ये जो है मैग्नेटिक पावर के दम पर हवा में रहेगी। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जल्दी से दबा दो, आज का टारगेट है 2 लाख लाइक्स का। भाई प्लीज जल्दी पूरा करो, लाइक ठोक दो। दोस्तों लेविटेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको जो है इस तरीके की ये 8 मैग्नेट्स की जरूरत है, जो कि देखो 4 बड़ी रिंग मैग्नेट्स है इस टाइप की और 4 ऐसी छोटी रिंग मैग्नेट्स हैं देखो। और भाई 2 हमने इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, किसी भी कार्डबोर्ड वगैरह से हम बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने आप लोग देखो कि 4 इस तरीके की स्ट्रक्चर काट रखी हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, इनमें जो हमारी मैग्नेट एकदम फिट आ सकती है, थोड़ी फंसी रह जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना ये है कि इनको इतना दूरी पर लगभग सेट करना है हमको, ताकि ये मैग्नेट इसके अंदर रह जाए। तो उसको करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके की स्क्रूज वगैरह का यूज़ करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे हमारी बड़ी वाली रिंग मैग्नेट के साथ में, और इन जो 4 यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप के होल हैं इनके अंदर इसको लगाना है, और सभी का जो पोल है वो एक साइड में रखना। मान लो इसका साउथ पोल इधर है तो सभी का ही इधर होना चाहिए। तो मैंने मार्क कर रखा है पहले से कि किधर इनका पोल है, सेम वे में हमको इनको अरेंज करना है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलने के बाद में भाई हमारे पास में जो दूसरा पार्ट है उसको इसके ऊपर रख देना है, और ये इसमें एकदम फिट आएगा। तो भाई फाइनली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास में बन गया, 4 मैग्नेट्स यहाँ पर देखो फिट हो गई हैं भाई। और अब आते हैं हमारी पेंसिल के ऊपर, और जो छोटी मैग्नेट्स हैं वो इसके अंदर हमको फंसानी है। और भाई ये जो मैग्नेट है इसका जो होल है वो छोटा है, ये घुस नहीं रही इसमें, दूसरी पेंसिल लेनी पड़ेगी। तो भाई ये वाली पेंसिल मेरे हिसाब से इसमें सही आ जाएगी, ये थोड़ी पतली है इससे। और जो दूसरे हमारे पास में 2 मैग्नेट हैं उनको भी सेम उसी तरीके से डाल देना है पीछे की साइड से। तो भाई 4 मैग्नेट्स को डालने के बाद में अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, और लास्ट पीस ऑफ द पजल ये है भाई, एक टुकड़ा है जो कि इसके पीछे से ही देखो काटा गया है, और ये जो है यहाँ पर फिट आ जाता है। ये आपको पता लगेगा कि क्यों काम आता है, हमको कुछ इस तरीके से इसको तैयार करना है। और अब देखो कि ये जो है ना इसको इसके ऊपर हम लोग रखेंगे, हो सकता है शुरू में एडजस्टमेंट ना हो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ और जो मैग्नेट है वो भाग रही है देखो। तो हमको इन मैग्नेट्स को थोड़ा आगे पीछे सरका के हिट एंड ट्रायल से ही इसको लाना पड़ेगा। इस वाली को थोड़ा आगे सरकाते हैं, मे भी काम कर जाए। और भाई साहब मतलब देखो 2-3 ट्रायल मैंने किए हैं, और जो पेंसिल है वो आपके सामने हवा में तैर रही है। और नीचे से दिखाओ इसको, देखो मतलब बीच में कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेचकस इसके बीच से, यार पेचकस लोहे का है, चिपक गया, कोई नहीं, मैं आपको पेंसिल ले जा करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो पूरी पेंसिल इसके आर पार हो गई देखो। और भाई थोड़ा सा इनको और रिफाइन करने के बाद में अब ये जो है पहले से ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, देखो एकदम यार हवा में रुक रही है। और अब आपको इस पीस का काम भी पता लग गया होगा, ये जो पीस है इसको रोक रहा है, देखो अगर मैं इसको हटा दे दूंगा ना तो ये काम नहीं करेगा, तो देखो ये इधर उधर भागता है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि इस वाले पीस के ऊपर कोई वजन नहीं आ रहा, देखो कि ये सिर्फ इसको एक साइड से सपोर्ट दे रहा है, जो इसका वेट है वो सारा ये मैग्नेट झेल रही है। और अब आया मजा, तो पेंसिल घूम रही थी हवा में, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, और ये लो देखो यार, और ये कितनी स्टेबल है। और यार इस पे पता है एक्चुअली में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो ये काफी देर तक इसीलिए घूम रही है। और इसको जो हम कहीं पे डेकोरेट भी कर सकते हैं कि ये हवा में कैसे झूल रही है, तो हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो भाई अगर आया आपको इस वीडियो में मज़ा तो एक लाइक ज़रूर से कर देना यार प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।